हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलम्स रसोई। चलिए आज बनाते हैं चॉकलेट फिल्ड डोनट्स। आप इसे बच्चों के बर्थडे पार्टी या फिर किटी पार्टी के लिए बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बोल में लेंगे आधा कप गुनगुना पानी, दो बड़ा चम्मच चीनी। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। एक बड़ा चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट मिलाकर इसे ढककर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। दस मिनट में ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इसमें मिलाएंगे 350 ग्राम मैदा, एक बड़ा चम्मच तेल, एक चौथाई छोटी चम्मच नमक। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो बड़ा चम्मच बटर मिलाकर इसे मसल कर ढककर रख देंगे फूलने के लिए। डो अच्छे से फूल गया है, इसे एक बार फिर से मसल लेंगे। डो को दो हिस्से में बांट लेंगे। इसे रोल करके मैं ट्रायंगल शेप का डोनट बना रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई सा भी आकार का डोनट बना सकते हैं। इन्हें ढककर 10 मिनट रख देंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाएं। हल्के गर्म तेल में धीमी गैस पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। चॉपस्टिक से डोनट के अंदर जगह बना लेंगे चॉकलेट भरने के लिए। डोनट के अंदर चॉकलेट को भरकर इन्हें कास्टर शुगर से कोट कर लेंगे। कास्टर शुगर के जगह आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट फिल्ड डोनट्स बनके तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पे शेयर कीजिए और ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।